हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग को चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का अपडेट है येस बैंक के बारे में। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है हमारे लिए, आपको आगे बताते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग का अप्रूवल ऑलरेडी आ चुका है येस बैंक में। क्या आगे FPO आ सकते हैं, तो आगे डिटेल में देख लेते हैं। उसका पहले दोस्तों, आप जो भी हमारा चैनल को रेगुलरली विजिट कर रहे हैं और हमको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको स्पेशल थैंक्स बोल रहे हैं। क्योंकि पिछले, आप इधर देख सकते हैं, 24 जुलाई से हमने वीडियो पोस्ट करने को चालू किया था। ऑलरेडी 22,000 प्लस व्यूज़ हो चुका है और 99 वीडियो हमने अब तक पोस्ट किया है। तो आज का ये सेंचुरी हमारा 100th वीडियो हम पोस्ट कर रहे हैं। तो जो भी हमको पहले से, शुरुआत से हमारा साथ है, सब्सक्राइब किया हुआ, आप सबको थैंक यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए ये वीडियो को, तो एटलीस्ट हमको पता चलता है कितने लोग अभी भी कंटिन्यू देख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा एक इंटेंशन था कि आपको ये जो 100th वीडियो पोस्ट करते हैं तो स्पेशल होना है, तो ये वीडियो स्पेशल हमारे लिए क्यों, आगे हम बताते हैं। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, येस बैंक का बुक वैल्यू 13.23 है, करंट मार्केट प्राइस 13 है। क्या हमको बाई करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, ये सेम चीज़ें हमने पहले का वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो अभी फिर से हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि येस बैंक में हमारा इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, मिनिमम 2 to 3 ईयर्स का। तो ये बैंक हमको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और मल्टीबैगर भी बन सकता है। तो बट हमारे लिए पेशेंस चाहिए, और जो सही टाइम में हमको एंट्री लेना है और पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। तो आगे डिटेल में जाके देख सकते हैं। ये आज का न्यूज़ है, आज का जो डिसीजन है, येस बैंक प्लान्स टू राइज फंड्स विया वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू सीक शेयर होल्डर्स नोट नेक्स्ट वीक। ये जो 16 दिसंबर को इसका न्यूज़ आया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग 21 दिसंबर को, मतलब आज का दिन में इन्होंने डिसाइड किया था। तो आज मीटिंग हो चुका है। इसका पहले हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब भी इसमें कंटिन्यूस गिरावट आ रहा था अगस्त, अब आई बटन में हम लिंक देते हैं, आप देख सकते हैं 11 रुपये तक गिरा था। तो हमने बताया था हमको ये पॉइंट में एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये लगातार गिरावट की तरफ है। ये जब भी रुकावट आएगा, इधर से ट्रेंड रिवर्सल आता है, तभी हमको इसमें इंटरेस्ट दिखाना है करके हमारा प्लान था। उसके हिसाब से हमने इसको बहुत वेट किया, आप देख सकते हैं इधर। तो ऑलमोस्ट 13 to 12 का रेंज में ये कंसोलिडेट हो रहा है ये प्राइस। अभी भी कुछ बोल नहीं सकते इसमें, बट अभी आप देखेंगे तो अगस्त से अभी दिसंबर तक ये जो गिरावट आया, उसका बाद में ट्रेंड रिवर्सल हो गया। कभी ये 14 तक जाते हैं, कभी 12 to 13 तक इसका प्राइस रेंज बन रहा है, मतलब ये स्ट्रांग सपोर्ट 12 तक बन सकते हैं। आगे डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, ये 32,571 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका बुक वैल्यू 13.23 है। अभी जो भी प्राइस है, बुक वैल्यू से सस्ते में हमको मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 है, 52 वीक्स हाई 19 है, 52 वीक्स लो 10 है। तो प्राइवेट बैंक सेक्टर में ये आपको देख सकते हैं 8th प्लेस में मार्केट कैप का बेसिस में। तो पिछले बार भी 15,000 करोड़ का FPO बना था, तो अभी 10,000 करोड़ का फिर से FPO निकल सकते हैं। तो वो आगे देख सकते हैं, जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ जाते हैं। भले इसमें बहुत टाइम लगेगा, बट जब भी ये प्रॉफिट में आएगा, लास्ट 2 क्वार्टर प्रॉफिट है, अभी 3rd क्वार्टर अगर प्रॉफिट में आते हैं, अगर इस साल कम से कम प्रॉफिट में भी आता है, तो इसमें बाद में प्राइस मूवमेंट हमको लगातार देखने को मिल सकता है। तो इनडायरेक्टली आपको येस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही करके कंसिडर कर सकते हैं अभी आज का डेट में। जो पहले का जो इशू हो गया था, वो तो हो गया, क्योंकि अभी 30% शेयर होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पास है और यही लोग इसको चला रहे, इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इनका ही है। तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट अभी करके ये चेंज में लेके आ रहे। तो दोस्तों, ये अपडेट था, आप देख सकते हैं 21 दिसंबर को 6:14 को इन्होंने अपडेट्स दिया हुआ है। येस बैंक लिमिटेड इन्फॉर्म्ड एक्सचेंज रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन December 22, आज का दिन में। जो आप PDF ओपन करेंगे तो आपको ये देखने मिलता है, वही हमने शुरुआत में आपको बताया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैंक इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन Tuesday December 21 इंटर एलिया हैव कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ फंड्स बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स डिपॉजिटरी रिसिप्ट
कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वारंट्स, तो जो भी ऑप्शंस रहे इनको 10,000 करोड़ का फंड रेस कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर्स भी है, मतलब अब ऑलरेडी इसमें 2 बार FPO हो चुका है 2005 से, और उसका बाद में पिछले साल 1 साल का पहले भी इन्होंने FPO दिया हुआ है। अब अभी आगे देखते हैं दोस्तों, हम कुछ एक्सपर्ट नहीं है। अगर आप निवेश करते हैं तो आप खुद का एनालिसिस कीजिए और आपका क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके निवेश कीजिए। हम जो भी करते हैं हम लगातार इसको फॉलोअप करते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आता है तो हम बहुत केयरफुल रह के आपको अपडेट्स देते रहते हैं हमारे चैनल में। तो दोस्तों ये पिछले बार FPO इन्होंने दिया था फंड रेजिंग के लिए, तभी इन्होंने 15,000 करोड़ का फंड रेजिंग किया था जुलाई 15 को, आप देख सकते हैं 2020 में। तो तभी इसका प्राइस बैंड दिया था 12 to 13 रुपीज़ का, आप इधर देख सकते हैं। तो अभी जो प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही हो रहा है 12 to 13, और बुक वैल्यू भी 13.23 है। शायद ये बार इसका FPO थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 12 to 13 का जगह में 13 to 14 भी हो सकता है, नहीं तो सेम भी हो सकता है। तो पिछले बार इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि यूटिलाइजेशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स इज़ फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट कैपिटल टू सपोर्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जो उनको रिकवरी में करना था, जो फंड फ्लो करना था उसके लिए इन्होंने FPO किया था। तो अभी दोबारा ये कर रहा है, जब भी आगे जाने का पहले हम लोग टिकर टेप का एनालिसिस देख लेते हैं, तो आपको एंड में और एक एनालिसिस में दिखाते हैं जो पहले इन्होंने दिया था अगस्त महीने में। तो 14 एनालिस्ट में कोई इसमें बइंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, एंट्री पॉइंट गुड करके बताते हैं, तो नो रेड फ्लैग्स है। अभी बेस लाइन पकड़ के चलेंगे तो भी वो हाई 26% बोल रहे हैं, 16 ये तो मुमकिन है, आराम से ये जा सकते हैं। बट अभी FPO आएगा तो इसमें शायद FPO आ सकते हैं, इनके साथ आया तो ये प्राइस थोड़ा नीचे ही रहेगा जब तक ये इशू ना हो जाते। तो पिछले बार जब भी FPO हो गया उसका बाद में 15 से 16 तक ये टच करके फिर नीचे का तरफ आ गया था। प्रेजेंट वॉल्यूम एनालिसिस देख सकते हैं आप, 3 साल में -92% है, ये सबको पता है क्यों ऐसा है करके। बट हमको इम्पोर्टेंट है कि अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने मिलता है, 1 महीने का एवरेज 16 करोड़ का एवरेज है, 1 हफ्ते का 13 करोड़ से, और कल का 15 करोड़, आज का 10 करोड़, इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है। कभी भी इसमें अच्छा न्यूज़ आता है, ये प्रॉफिट में टर्न हो जाता है, तो इसमें अच्छा खासा तेज़ी तुरंत हमको देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये हम लाइफ टाइम का इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न लगाया, चार्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं 375 था बहुत 2018 में। इधर से जिसका भी पैसा नुकसान हो गया उनको तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो बट अभी आप रिकवरी मोड देखेंगे तो ये प्राइस का इधर आपको कंसोलिडेट हो रहा है, तो जब भी ये बैंक चलने लगेगा तो आपको आराम से ये फिर से वापस यही रेंज में हो सकता है, भले इसको 2-3 साल और टाइम लगेंगे, और उसका पहले भी हो सकते हैं, नहीं तो लंबा टाइम भी हो सकता है। अगर आप निवेश करना है, हमारा इंटरेस्ट है इसमें लॉन्ग टर्म में, हमको कॉन्फिडेंट है ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं, कुछ भी नहीं तो हमको 5 से 6 गुना हमारा पैसा कर सकता है अगर यही मोड में ये चलता है। तो यही हम बता रहे थे आपको, अगस्त तक इसमें लगातार गिरावट था, ये गिरावट का बाद में इसने जो रिकवरी दिखाया ये 15-16 का रेंज में गया था, उसका बाद में फिर गिरावट आ गया, फिर इसमें 15 का रेंज में गया, फिर गिरावट आ गया। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम ये 12.17 12.13 तक नीचे जाता है और 12.14 तक ऊपर जाता है, तो ये रेंज में ही है। अभी फिर से ये नीचे का तरफ आ रहा है, शायद ये 12 नहीं तो उसका नीचे भी जा सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स तो RSI आपको 43 में है, MACD भी नीचे का तरफ है, इसका आगे और भी थोड़ा इसमें प्राइस करेक्शन आ सकता है। तो दोस्तों हमारा बोलने का मतलब ये है, हम इसमें लॉन्ग टर्म का होल्डिंग का इंटरेस्ट में हम इसमें निवेश कर रहे हैं, जो भी ये नीचे का तरफ जाता है, इनकेस 12 का नीचे जाता है तो हम लोग एड ऑन डिप्स करते हैं, इवन FPO आ रहा है नहीं आ रहा है फिर भी 12 का नीचे जाता है तो हर महीने हमने सिप का जैसा बना के इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हम लोग जमा करते जा रहे हैं। तो एक अच्छा होप है हमको इस बैंक में, ये हमको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं करके लॉन्ग टर्म में। तो पहले जब भी हमने अगस्त में वीडियो पोस्ट किया था तभी इन्होंने टारगेट दिया था 69 रुपये का, 523% का
69 रुपीज़ का इन्होंने टारगेट दिया था। अभी जो 25% का टारगेट दे रहा है 16, एक 1 ईयर का टारगेट, तो विच इज़ रीजनेबल है। तो दोस्तों यही था हमारा स्पेशल वीडियो, क्योंकि हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 1 साल से पोजीशन बना के रखा है। हमारा प्राइस एवरेज है 14.2। हम इसको जब भी 12 के नीचे आएगा तो और इसको ऐड करते जाएंगे और लंबा टाइम तक हम रखेंगे। और इसका बारे में हम लोग डिटेल में आपको फॉलोअप वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। अगर आप हमारा चैनल को रेगुलर विजिट करते हैं तो लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।